स्वागत है दोस्तों। यदि आप शिक्षक हैं और दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स यानी अतिथि शिक्षकों के तौर पर काम कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में हुआ करती थी और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अतिथि शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी संदर्भ में सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे कि अतिथि शिक्षकों को काफी लाभ होने वाला है। ये आप देख सकते हैं न्यूज 18 के हवाले से ये खबर है। अतिथि शिक्षकों को दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, सहायता प्राप्त स्कूलों में भी पढ़ाने की मंजूरी। सहायता प्राप्त स्कूलों से आपको पता है इसका अर्थ एडेड स्कूल से है। अब आइए इस खबर को जरा विस्तार से समझते हैं कि क्या कहा है दिल्ली सरकार ने। यहां लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नए साल के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि अब ये शिक्षक सहायता प्राप्त स्कूलों यानी एडेड स्कूल्स में भी छात्रों को पढ़ा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने ऐसे स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की तैनाती के निर्देश भी जारी किए हैं और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि सहायता प्राप्त यानी कि एडेड स्कूल्स में चूंकि कुछ विषयों में अध्यापकों की कमी थी, इस कारण उस संबंधित विषयों के शिक्षकों को एडेड स्कूल में भी तैनात करने का निर्देश दिया गया है, ताकि छात्रों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसका मतलब यह भी हुआ कि अतिथि शिक्षकों को अब पढ़ाने का ज्यादा मौका मिलेगा और अधिक से अधिक अतिथि शिक्षकों यानी कि गेस्ट टीचर्स को जॉब मिल सकेगा। मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह नियुक्ति अस्थाई तौर पर ही है, यानी कि जब तक इन स्कूलों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक गेस्ट टीचर्स वहां पढ़ा सकेंगे। और सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रबंध समिति को अपने स्कूल में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर अतिथि शिक्षकों के तैनाती के लिए निदेशालय को एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा कि उनके पास कमी है शिक्षकों की और उस कमी को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति उनके यहां की जाए, और विषयवार यह सूचना शिक्षा निदेशालय के पास आएगी और उसी के अनुसार शिक्षा निदेशालय फैसला करेगी। तो दोस्तों, जो अतिथि शिक्षक के तौर पर सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं उनके लिए एक ये और मौका है। और साथ ही एक बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप एडेड स्कूल्स में अतिथि शिक्षक के तौर पर लग जाते हैं और जैसे जैसे आपके अनुभव में बढ़ोतरी होती है, वैसे ही जब वहां पर में परमानेंट वैकेंसी निकलेगी तो आपके वहां पर परमानेंट होने का चांस भी बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करते रहें और जब भी मौका मिले तो आप एडेड स्कूल में भी एज गेस्ट टीचर जरूर ज्वाइन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।